कि बुशरा बीबी पिशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम का ऐसा बताना है, उन्होंने ये भी बताया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क्यादत में पिशावर से रवाना हुआ है। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, शेख वक्कास अकरम ने यह भी बताया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी पिशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम ने ऐसा बताया, उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क्यादत में पिशावर से रवाना हुआ है। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल भी करेंगे, उनकी जानिब से यह भी बताया गया। तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी पिशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम ने ऐसा बताया, उन्होंने उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क्यादत में पिशावर से रवाना हुआ और बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं, जबकि वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। बिल्कुल, अब वापस अपने नुमाइंदगान की जानिब चलेंगे, ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट करें, यहाँ खबर हम तक पहुंची है कि बुशरा बीबी पिशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा है। शेख वक्कास अकरम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, काफिला अली अमीन गंडापुर की क्यादत में पिशावर से रवाना हुआ। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बिशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे, शेख वक्कास अकरम की जानिब से ये स्टेटमेंट मंजरे आम पर आई है।